मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या शिक्षा मंत्री जी आपके पास उस समय बंदूक का लाइसेंस क्यों नहीं था कि जो शिक्षा मंत्री कारतूस रखने का शौकीन है वो लोगों को रोजगार दिलाएगा, रोजगार दिलाने में सक्षम बना पाएगा। तो मुख्यमंत्री जी आपको ऐसे शिक्षा मंत्री मुबारक हो और ऐसे लोगों से बिहार की शिक्षा का कल्याण नहीं होगा। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है जिसके बाद भाजपा लगातार बिहार सरकार को घेरने में लगी है, खास करके भाजपा के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अब सुशील कुमार मोदी ने शिक्षा मंत्री के बहाने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए हैं। सुशील कुमार मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप देखिए। मित्रों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का शिक्षा मंत्री बनाया है जो किताबों का नहीं कारतूस का शौकीन है। इनका नाम है श्री चंद्रशेखर यादव, जो मधेपुरा से विधायक हैं और ये 2020 में दिल्ली से जब पटना आ रहे थे तो दिल्ली हवाई अड्डे पर इनके बैग में छिपा कर रखी गई 0.315 की 10 mm की 10 गोलियां थी, जिंदा कारतूस था और छिपा कर ला रहे थे। इस आरोप में पुलिस ने इनके बैग को जब्त कर लिया। इनको 2 घंटे तक थाने पर पूछताछ के लिए रखा गया। तो मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या शिक्षा मंत्री जी आपके पास उस समय बंदूक का लाइसेंस क्यों नहीं था, आप दिल्ली से कैसे लेकर आ रहे थे, आप पुलिस को कोई सबूत भी नहीं दे पाए। यह बात अलग है कि बाद में जब आपने माफ़ी मांगी और कहा कि भूल बस मेरे बैग में गोली रह गई थी, तब कोर्ट ने विधायक की जिद रखते हुए आपको इस मामले में बरी कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जो शिक्षा मंत्री कारतूस रखने का शौकीन है वो लोगों को रोजगार दिलाएगा, रोजगार दिलाने में सक्षम बना पाएगा या अपर्ण उद्योग की शिक्षा देने का काम करेगा। तो मुख्यमंत्री जी आपको ऐसे शिक्षा मंत्री मुबारक हो और ऐसे लोगों से बिहार की शिक्षा का कल्याण नहीं होगा। तो आपने देखा कि शिक्षा मंत्री पर सुशील कुमार मोदी ने यह आरोप लगाया कि वो कारतूस के शौकीन है, फिर ऐसे आरोपी को शिक्षा मंत्री क्यों बनाया गया? जो कारतूस का शौकीन है, जो बंदूक का शौकीन है, वो बिहार के शिक्षा मंत्री बन रहा है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं नीतीश कुमार? तो सुशील कुमार मोदी ने जमकर शिक्षा मंत्री के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा कि हवाई यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्री के पास से 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने मधेपुरा के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर के रूप में ऐसे दबंग व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जो 0.315 की 10 जिंदा कारतूस बैग में छिपाकर लाने के आरोप में पकड़े गए थे। ऐसे शिक्षा मंत्री क्या सुधार करेंगे और छात्रों को क्या संदेश देंगे? तो सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है, तो ऐसे में नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर, सुशील कुमार मोदी के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।